प्रयागराज के माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से रेलवे बस स्टेशन परिसर में निःशुल्क चाय का स्टॉल लगाया गया है, जिसका उद्घाटन परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने फीता काटकर किया। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए यह निःशुल्क चाय का स्टॉल 3 दिनों के लिए लगाया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को चाय बिस्किट का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर जनपद से माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 380 बसों को अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, जिसमें कि माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महाराजगंज महेंद्र पांडे, अजय कुमार, कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मंत्री कैलाश प्रसाद, मनोज द्विवेदी, मदन सिंह, हरिओम तिवारी, विनोद तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के क्षेत्र प्रबंधक पीके तिवारी ने कहा, ठीक है। अरे सर सर आइए बिना चीनी वाला भरने पेट खराब ये हम लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था कराई है जो निःशुल्क व्यवस्था है, और इसमें चाय और बिस्किट वगैरह हम लोग जो हैं हमारे यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर के ये व्यवस्था कराई है, और ये 3 दिन तक व्यवस्था लागू रहेगी। सर कितनी बसों को लगाया गया है? गोरखपुर क्षेत्र से तो 380 बसें लगी हैं विभिन्न विभिन्न पिकिंग पॉइंट से, जिसमें उरवा, खजनी, सिकरीगंज वगैरह भी है, और यहाँ से करीब जो है 80 बसें यहाँ से लगी। यहाँ एसी बसें को भी लगाया गया? जी एसी बसें भी लगी हैं।